हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जारी किए गए बंपर भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से किस ग्रुप के लिए भर्ती निकाली गई है, इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो आवेदन शुल्क है वो क्या लगेगी, और साथ ही साथ इस भर्ती प्रक्रिया का मेथड क्या है या फिर भर्ती प्रक्रिया किस तरह से की जाएगी, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। ऑनलाइन की जाएगी तो इसकी आवेदन के लिए किस वेबसाइट का विजिट करें, और साथ इसके लिए क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं सर्वेश गुप्ता, टेक गुप्ता हिंदी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नवोदय विद्यालय समिति ने निकाली बंपर भर्ती। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसका पीडीएफ काफी आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगा। आप वहां पर जाके उसको पढ़ सकते हैं या फिर अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 12 जनवरी से शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ इसकी अंतिम तारीख भी आ गई, जो इसकी अंतिम तारीख बताई गई है 10 फरवरी 2022 बताई गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में एनवीएस जॉब के माध्यम से विभाग में कुल 1925 पदों को भरा जाएगा। इसमें जो पद है उसके बारे में जान लेते हैं और पद की पात्रता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 7 पोस्ट दिए गए हैं, महिला स्टाफ नर्स के लिए 82 पद दिए गए हैं, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए 10 पद दिए गए हैं, असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट के लिए 11 पद दिए गए हैं, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए 4 पद दिए गए हैं, जूनियर इंजीनियर का 1 पद है, स्टोनोग्राफर के लिए 22 पद बताए जा रहे हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 4 पद, कैटरिंग असिस्टेंट के लिए 87 पद, जूनियर सचिवालय सहायक के लिए 630 पद हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 273 पद हैं, जो लैब अटेंडेंट है उसके लिए 142 पद बताए गए हैं, मेस हेल्पर के लिए 629 पद है, साथ साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 23 पद बताए गए हैं। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पेज डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता बहुत ज्यादा दिया गया है या फिर भर्ती प्रक्रिया में जो आवेदन की स्थिति काफी ज्यादा है, इसलिए इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई कमी रह गई या फिर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि आवेदन के लिए फीस क्या मांगी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर आवेदन के लिए आपको 1500 देने होंगे, और साथ ही साथ महिला नर्सिंग स्टाफ के लिए 1200 की फीस मांगी गई है, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और MTS यानी मल्टी टास्किंग के लिए 750 रुपए मांगे हैं। अगर वीडियो में कहीं कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।